करते हैं स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी की एक शीट मेरे को दीजिए। चलो चलिए देखिए, ताश के पत्ते 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स चार प्रकार के होते हैं। छब्बीस लाल होते हैं और बाकी 26 काले। अब लाल में दो प्रकार है, एक ईंट का और एक लालपन, एक लालपन और एक ईंट। इसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट का कार्ड, और इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। लालपन और ये ईंट है ना, कितने होते हैं 13। ये भी कितने होते हैं 13 है ना। अब इन 26 काले पत्तों में वो होता है ना, एक तो चीड़ी का, ये 13 और ये भी 13 हाँ। इधर देखो, ये चीड़ी और ये हुकुम का पत्ता ना, छोटा हो बड़ा हो, छोटा और इधर छोटा, ठीक। अरे इसका वो नाम है ना क्लब और स्पेड, इसको क्लब बोलते हैं, क्लब और ये स्पेड। उल्टा तो नहीं लिख रहा हूं, एक बार गूगल करो जरा, सही लिखा ना, क्लब और स्पेड। चलो अब आप देख रहे लाल पत्ते कितने होते 26, काले पत्ते कितने होते 26। लाल पान के पत्ते 13, ईंट के 13, चीड़ी के 13, हुक्म के 13 है ना, समझ गए बात को, क्लियर है। अब इसमें बादशाह कितने होते 4, चारों के 4 बादशाह होंगे, चारों के गुलाम होंगे, चारों की 4 बेगम होगी है ना, बादशाह बेगम गुलाम और एक इक्का है ना। तो जो बादशाह होता है उसको किंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं किंग। कितने होते हैं 4। क्वीन, अच्छा ये जो 52 पत्तों के जो नाम रखे गए ये मतलब किस आधार पे रखे गए होंगे, राजा महाराजों ने बनाए होंगे नहीं, मतलब ये जो 52 पत्ते फिक्स है 52 ही क्यों, इनमें 13-13 ही क्यों, इसके पीछे कोई गहरा प्रैक्टिकल रीजन रहा होगा कुछ ना कुछ है ना। 4 गुलाम, गुलाम मतलब जैक, जैक मतलब गुलाम, और 4 इक्के, एश, एश मतलब इक्का। कौन सा ये जोकर का क्या नाटक है यार, समझ में नहीं आया आज तक। 52 पत्ते होते ना जोकर, क्या 53वां पत्ता होता है क्या, फिर चित्र पत्ते फेस कार्ड्स, फेस
कार्ड्स होते हैं 16। ये जो 16 होते हैं ना, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, यानी कि चित्र पत्ते। कितने होते हैं? 16। चलो अब करेंगे सवाल। देखो कहानी क्या है, सुनो फेस कार्ड की कहानी। आप गूगल करना फेस कार्ड्स के बारे में, आपको बताएगा। इसमें यह है कि 16 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। कहीं कहीं जगह फेस कार्ड्स को 16 लिया जाता है, कहीं कहीं जगह फेस कार्ड्स को 12 लिया जाता है। हमारी किताबों में जो है और हमारे सिलेबस में जो है, फेस कार्ड्स को 16 मान के सवाल हल किए जाते हैं। मेरे मन में भी यह सवाल आता है कि फेस कार्ड्स यानी कि जिसमें चेहरा दिख रहा हो, तो चेहरा तो गुलाम बेगम बादशाह इक्के का कौन सा चेहरा है, ठीक है, लेकिन चेहरे से उसका ओरिएंटेशन नहीं होगा शायद। फेस कार्ड्स मतलब जो जैसे होता है ना, किसी चीज का एक फेस होता है ना, फेस। अरे ऐसे नहीं यार, जैसे मैं बता नहीं पा रहा हूं, PHASE फेस नहीं, FSE फेस की बात कर रहा हूं। जैसे हर किसी को प्रेजेंट करने वाला एक फेस होता है ना, इस भीड़ को प्रेजेंट करने वाला ये चेहरा है, नेता, लीडर, ठीक है। तो उस प्रकार से भी इन सभी पत्तों का एक फेस जो है वो चार है, बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े पत्ते है ना, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, इक्का, गुलाम बेगम और बादशाह, ऐसे करके। तो आप गूगल भी करोगे तो उसमें अमेरिकन के हिसाब से वो कुछ 16 बताएगा, ब्रिटेन के हिसाब से कुछ 12 बताएगा, इस प्रकार से। लेकिन हम जो सिलेबस में लेते हैं वो लेते हैं 16। 16 के आधार पे किताबों में, 16 के आधार पे व्यापम में, हर जगह है, ठीक है ना। चलो तो चित्र पत्ते कितने हैं? 16। ये लिख लिया सबने? चलो अब आ जाओ, आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। दिख रहा है 52 कार्ड्स लिखा हुआ, जिसके अंदर क्वेश्चन है 1 और 2, जिसमें ए से एन तक है, एक में ए से एम तक है। चलिए आ जाते, मिटा दूं इसको, रफ कर दूं क्या? नहीं करूं? इन 13 पत्तों के बारे में आप जानते हो कैसे कैसे होते हैं? एक यानी कि इक्का, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, 11वां गुलाम, 12वां बेगम, 13वां बादशाह, किंग, है ना। ये ऐसे 13 पत्ते होते हैं हर प्रकार के, है ना। इक्का, फिर 2 नंबर का पत्ता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या बोलते हैं 2 नंबर के पत्ते को, क्या बोलते हैं? और ये, और ये चौका है ये, और ये, अरे चिल्लाओ मत, चुप रहो, इधर देखो। तो ये इस प्रकार के 13-13 होते हैं, सभी 13 में। समझ आ रही बात? ये लाल पान वाले ऐसे 13 होंगे, फिर ये ईंट वाले 13 होंगे। समझ आ रही बात? यानी कि हर एक का बादशाह बेगम गुलाम इक्का है, हर एक का बादशाह बेगम गुलाम इक्का है ना। 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। हाँ लिख लिया क्या? लिख लिया सभी ने? रफ कर दूं इसको? ठीक। हाँ चलिए देखिए, अब कहानी क्या है। एक्शन प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, है ना। किसी भी एक्शन के अंदर से फेवर वाली संख्या और टोटल वाली संख्या निकाल के रखना है। बस सबसे पहले एक्शन को समझना पड़ेगा। क्या एक्शन है? देखो पॉइंट 1 लिखा है 52 कार्ड्स के नीचे। अ कार्ड इज रैंडमली विड्रॉल फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या एक्शन है? ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। सुन लो क्या एक्शन है। ये कौन रो रहा है ऐसे ऐसे करके? इधर सुनो, 52 पत्तों के ताश की गड्डी है, कितने पत्तों की? 52।
52 में से एक पत्ता बिना देखे खींचना है। अब एक्शन को ध्यान देना, 52 पत्ते, कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से एक पत्ता आपको रेंडमली बाहर खींचना है। तो बताओ वो एक पत्ता बाहर कितने प्रकार से पॉसिबल है? 52। तो इस एक्शन के टोटल में फिक्स 52 आएगा नीचे हर एक हर केस में। 52 के गड्डी में से आप एक पत्ता रेंडमली बाहर निकाल रहे हो, समझ आ रही बात? तो वो जो एक पत्ता आने वाला उसके रिजल्ट कितने प्रकार से टोटल पॉसिबल है? 52। तो इस एक्शन में टोटल की संख्या ऑलवेज 52 आएगी कि नहीं आएगी? 52 में से कोई भी एक आ सकता है, टोटल पॉसिबल केसेस 52। इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, चलो रहने दो। टोटल केसेस क्या है? 52। क्लियर है ना? तो चलिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बटे में 52, सब में बाई में 52 आएगा, सब में अपॉन में क्या आएगा? 52। क्लियर? अब पॉइंट ए को क्या चाहिए? पत्ता लाल हो, पत्ता लाल हो। तो 52 में से लाल कितने होते हैं? 26। तो प्रायिकता 1/2 आएगी। कौन सा पत्ता चाहिए? लाल। तो 1/2 आएगी, 52 में से 26 लाल है। दूसरे को क्या चाहिए? पत्ता काला हो। तो 52 में से 26 काले हैं, ये भी 1/2 आएगा। चलो तीसरे को क्या चाहिए? बादशाह हो। बादशाह 4 होते हैं, होते हैं 4, तो 1/13 आएगा। चौथे को क्या चाहिए? बेगम। बेगम भी 4, तो 1/13 है ना। डायमंड, ईंट का पत्ता। अच्छा ईंट कितनी होती है? 13, तो 1/4। एफ को क्या चाहिए? पत्ता पान का हो। पान कितने होते हैं? 13। इसको ईंट चाहिए, इसको पान चाहिए, 1/4। इसके बाद जी, या तो लाल हो या फिर बादशाह हो, इसका आंसर कौन देगा बताओ? या तो लाल हो या फिर, लाल हो या बादशाह हो, 7/13। बहुत बढ़िया, कहां से आवाज आई 7/13 की? बहुत अच्छे, 7/13। सुनो, आप ठीक से ध्यान दो ना, एक्शन को थोड़ा सा रियलाइज करो। 52 पत्तों की गड्डी है, कितने पत्तों की गड्डी है? 52। 52 में से एक पत्ता बाहर खींचना है। डिमांड है कि या तो लाल हो या फिर बादशाह हो। लाल में भी अग्री, बादशाह में भी अग्री। तो लाल और बादशाह दोनों मिला के टोटल 28 कार्ड है। लाल आ जाए तो भी चलेगा, बादशाह आ जाए, जो भी कार्ड निकाल रहे हो समझो। थोड़ा गहराई में किसी भी चीज को थोड़ा सा गहराई में जाके शांति से समझोगे ना तो उत्तर सही आएगा। क्या डिमांड है उसकी? या लगाया है दोनों तरफ, कोई भी चलेगा। लाल आ जाए तो भी चलेगा, बादशाह आ जाए। तो 52 में से कितने पत्ते ऐसे हैं जो लाल या फिर बादशाह है? 28। अच्छा लाल तो 26 है, उन 26 लाल में 2 बादशाह आ गए, तो कितने बादशाह और बचे? तो टोटल 28 कार्ड आएंगे लाल या बादशाह की दुनिया में। अरे लाल कितने होते हैं टोटल? 26 होते कि नहीं होते? 26 लाल। ऐसा पत्ता होना चाहिए जिसपे या तो लाल कलर दिख जाए या फिर बादशाह दिख, दोनों दिख जाए तो भी चलेगा। या वाले केस का मतलब दोनों एक साथ आता है, वो भी अग्री होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऐसे मत देखो, लाल या बादशाह का मतलब है कि सिर्फ लाल हो चलेगा, सिर्फ बादशाह हो चलेगा, लेकिन लाल या बादशाह का मतलब लाल और बादशाह दोनों एक साथ आ जाए तो भी चलेगा। या का मतलब, या का मतलब चॉइस दिया आपको। जैसे और में क्वेश्चन आते थे आपके स्कूल में, आते थे, और का मतलब क्या होता था? कोई भी एक कर दो चलेगा। लेकिन यदि आप दोनों सॉल्व करके आ जाते तो क्या वो गलत थोड़ी ना कर देते? कुछ तो नंबर देते कि नहीं देते? तो या का मतलब आपको चॉइस दी है कि कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ कर रहे हो वो तो आएगा ही आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो लाल या बादशाह का मतलब जो पत्ता निकल रहा है या तो उस पर लाल कलर केवल दिख जाए तो भी चलेगा, या फिर लाल ना दिखे तो बादशाह दिख जाए तो भी चलेगा, और लाल और बादशाह दोनों एक साथ दिख जाए तो भी चलेगा। लाल और बादशाह दोनों एक ही पत्ते पर दिख सकता है क्या?
एक ही पत्ता निकालो वो लाल कलर का भी बादशाह भी, ऐसा पॉसिबल है? यस, ईंट का बादशाह, ईंट लाल है और बादशाह भी है, ईंट वाला बादशाह है कि नहीं है? और एक लाल पान वाला बादशाह, लाल भी है और वो किंग भी है। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो उसका फेवर किस तरफ है? या तो लाल हो या फिर बादशाह हो। तो या तो लाल कलर या फिर बादशाह, इस दुनिया में टोटल 28 लोग आते कि नहीं आते बताओ मैं? या फिर लाल लोग है तो 26 लाल है, लेकिन उन 26 लाल में ईंट और पान के दो बादशाह सम्मिलित हो गए कि नहीं हो गए? तो 26 लाल के अलावा बादशाह की दुनिया में दो ही बसते हैं केवल। टोटल 28 पत्ते कवर करेंगे इस फेवर को? बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? वेरी गुड। तो 28/52 यानी कि 7/13 रेड और किंग। चलो अगला सवाल, एच। एच को क्या चाहिए? क्लब और डायमंड। ध्यान से, ईंट या फिर चीड़ी? तो ईंट या फिर चीड़ी, ईंट या फिर चीड़ी। अरे एक मिनट, मैं क्या समझ रहा हूं इसको, कहां गया सवाल? या तो ईंट हो या फिर, हाँ सही है ना, 26/52 1/2 करेक्ट है। या तो चीड़ी का हो तो भी चलेगा, ईंट का हो तो भी चलेगा। तो चीड़ी के 13 और ईंट के भी 13, टोटल 26 लोग फेवर कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे वो बोल क्या रहा है उसको गहराई में जाके समझो, ऊपर ऊपर नहीं समझना, थोड़ा ठीक से रियलाइज करो वो क्या कहना चाह रहा है। वो पत्ता चीड़ी का हो तो भी चलेगा, ईंट का हो तो भी चलेगा। तो चीड़ी और ईंट कितने फेवर कर दिए उसके? 26 लोग फेवर कर दिए ना। तो 26/52 यानी कि 1/2। एच के बाद आई, लाल या काला, सॉरी स्पेड और किंग यानी कि हुकुम या बादशाह, हुकुम या बादशाह। 16/52 क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आई 52 क्या चाहिए इसको? लाल या, लाल या काला नहीं, हुकुम या बादशाह, हुकुम या बादशाह। हुकुम आ जाए, हुकुम समझते हो कि नहीं समझते हो? ये वाला पत्ता। तो हुकुम कितने होते हैं? 13 और बादशाह कितने होते हैं? 4। लेकिन आप जानते हो 13 के अंदर दो बादशाह आ गए, टोटल फिजिकली 16 लोग फेवर करेंगे? अरे दो नहीं आ गए ना, एक ही आया ना, 13 में एक ही बादशाह आया ना। क्या डिमांड है उसकी? ऐसा पत्ता आ जाए तो भी चलेगा, बादशाह आ जाए तो भी चलेगा। तो इसको कवर करने वाले टोटल 16 पत्ते हैं क्या? अच्छा 13 पत्ते ले लो, 13 में एक बादशाह आ गया, तो कितने बादशाह और बचे? 3। टोटल 16 लोग कवर कर रहे, तो 16/52 4/13। बोलो क्लियर है क्या? 16/52 यानी कि 4/13। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है इतनी बात? 16/52 यानी कि 4/13। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर है? ठीक है। हाँ, जे को क्या चाहिए? लाल या काला? 52/52 लाल हो तो भी चलेगा, काला हो तो भी चलेगा, यानी कि पूरे 52 को फेवर दे दिया इसने। क्या बोल रहा है? लाल हो तो भी चलेगा, काला हो तो भी चलेगा, पूरे 52 को फेवर दे दिया कि नहीं दे दिया? यानी कि 52/52 कितना आएगा? 1। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 52/52 1 है ना। इसके बाद के, रेड एंड किंग 2/52 1/26। ये करो के वाला, करो के वाला 2/52 दो के, एंड, एंड का मतलब एक ही पत्ते पे दोनों चीजें एक साथ चाहिए। एंड का मतलब एक ही पत्ते पे दोनों चीजें चाहिए, मतलब एक ही पत्ते पे लाल कलर भी होना चाहिए, बादशाह भी होना चाहिए।
एंड का मतलब, एंड का मतलब एक ही पत्ते पे दोनों एक साथ चाहिए। तो ऐसा पत्ता होना चाहिए जिसका कलर लाल भी हो और बादशाह भी हो, मतलब उसको लाल वाले बादशाह चाहिए। तो दो है कि नहीं है? लाल वाले बादशाह कितने? दो। वो और वाला केस था, कहां गया? ये देखो, रेड और किंग, रेड एंड किंग में फर्क समझ में आता है। और का मतलब सिर्फ लाल हो, इसी में भी कंप्लीट है, सिर्फ बादशाह में भी अग्री है वो। और का मतलब केवल लाल हो तो भी चलेगा, केवल बादशाह हो तो भी चलेगा। लेकिन एंड का मतलब एक ही पत्ते पे लाल कलर भी चाहिए और बादशाह भी चाहिए। तो ऐसे पत्ते दो ही होंगे। लाल वाले बादशाह कितने होंगे? दो। एक तो लाल पान वाला बादशाह और एक ईंट वाला बादशाह। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई दोनों में क्या फर्क है? एंड का मतलब दोनों चीजें एक साथ चाहिए, और या का मतलब कोई एक होगा तो भी, सिर्फ लाल होगा पत्ता तो भी चलेगा, सिर्फ बादशाह होगा तो भी चलेगा। तो कितने आएंगे? दो। एक तो ये वाला बादशाह और एक ये वाला बादशाह, ये दो पत्ते आएंगे, है ना? 2x52 यानी कि 1x26। के बाद एल पर आ जाओ, फेस कार्ड 16x52, चित्र पत्ते 16 होते, 16x52 यानी कि 4x13 आएगा। कितना आएगा? 4x13। क्लियर। इसके बाद एम, उस पत्ते पर 7 से कम संख्या हो, 24x52 कि 20x52? 20x52 आएगा ना, इक्के पे एक तो नहीं लिखा होता है ना, नहीं लिखा होता ना एक, तो 7 से कम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 5 पत्ते है ना। तो 5 × 4 = 20, 20x52, 20x52 यानी कि 5x13। 7 से कम संख्या वाले पत्ते कौन होंगे? 2, 3, 4, 5, 6। क्या क्या 7 से कम बोला है ना? नहीं, 7 थोड़े ना गिनेंगे, 7 से कम में 7 कैसे गिनेंगे? 6 से आएगा ना। तो L में क्या आएगा? 20x52 यानी कि 5x13। M की बात, सॉरी ये M है ना, ये L, L का तो आ गया ना आपका, L का क्या है? L इधर, चलो यहां L लिख देता हूं, 16x52, ये L लिख दिया मैंने पहले। अब M, M में 20x52 यानी कि 5x13, और N और बचा है, वहां पत्ता पान वाली संख्या के रूप में हो, वहां पत्ता पान वाली संख्या के रूप में हो, तो पान वाली संख्या के पत्ते कितने होते? 9। संख्या 13 थोड़ी ना, संख्यात्मक पत्ते पान वाले तो 9 ही होंगे ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संख्यात्मक पत्ता पान वाला, पहले पढ़ो उसको क्या मांग रहा है वो। पान वाला पत्ता, पान वाला पत्ता बट संख्या होनी चाहिए, तो 2, 3, 4, 5, 10। बताओ टोटल 9 पत्ते होंगे, तो 9x52 आएगा, तो N का आएगा 9x52। क्या बोल रहे हो? बोलो ना, क्या बोल रहे? हाँ, ये हो गया, मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दो इसको, है ना। मिटा दो क्या इसको? बोलिए, है ना।
चलिए देखिए, अब सवाल नंबर दो, एक्शन बदल दी। अभी क्या हो रहा था, 52 पत्ते में से एक पत्ता खींचना था। अब एक्शन क्या है, 52 पत्ते में से एक साथ कितने पत्ते खींचने, दो। अब ध्यान देना है ना, अब उलझेगी गाड़ी यहां से। अभी 52 पत्ते में से एक पत्ता रेंडमली निकालना था, अब 52 पत्ते में से कितने पत्ते निकालने, इकट्ठा दो। तो जब 52 पत्ते में से एक पत्ता रेंडमली निकालना होता है तो उसके टोटल प्रकार 52 ही होते नीचे, लेकिन 52 पत्तों में से जब दो पत्ते एक साथ खींचोगे तो दो दो पत्तों के टोटल कितने पॉसिबल जोड़े बनेंगे, 26। नहीं, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, प्रायिकता का फॉर्मूला है फेवर अपॉन टोटल। क्या फॉर्मूला है प्रायिकता का, फेवर अपॉन टोटल। हाँ, 1326 आएगा, फेवर अपॉन टोटल। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी, 52 में से जब एक पत्ता खींचोगे तो 52 आएगा टोटल की जगह, किए हमने सवाल। अब 52 में से इकट्ठा कितने पत्ते खींचते हैं, दो। कितने पत्ते खींचने, दो। अब आप एक चीज समझो, ये कुछ यूं है कि 52 में से दो दो लोगों की कितनी टीम बनेगी, ये कैसा है, ये 52 में से दो पत्ते एक साथ खींचने के प्रकार, यानी कि 52 में से दो दो लोगों की कितनी टीम बनेगी, समझ आ रही बात, 26 बनेगी। कैसी बात करते हो यार, ऐसे नहीं आएगा। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जब चार लोग होते हैं ABCD तो इसमें से दो दो लोगों की कितनी टीम बनती है, चार लोगों में से, आप दो दो लोगों की टीम बताओ, इन चार में से दो दो लोगों की टीम कितनी बनेगी, 4C2, 4C2 लगेगा कि नहीं लगेगा, इन चार में से दो दो की टीम बनेगी, ए बी बनेगी कि नहीं बनेगी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, ए सी, बी डी, ए डी, चार लोगों में दो दो लोगों की कितनी टीमें बनेंगी, चार से ज्यादा बनेंगी कि नहीं बनेंगी, कैसे निकालते हैं, 4C2 से। अरे भूल गए दो दिन में सब, चार लोगों में से दो दो लोगों की टीम कैसे 4C2 से, और कॉम्बिनेशन का यूज, इस संचय का यूज होता ही टीम बनाने के लिए ना, टीम बनाई इतनी सारी हमने, बनाई कि नहीं बनाई, तो 4C2 से आएगा कितने प्रकार बनेंगे, तो 52 पत्तों में से दो पत्तों की टीम बनाओगे 52C2 से आएगा, फोर सी टू, या फिर मैं बना के दिखाता हूं, ए बी सी और डी, ए बी बी सी सी डी, कितनी टीम बन गई अभी तक, तीन, ए सी बी डी, ए सी बी डी और ए डी, बताओ छह टीम बनी कि नहीं बनी, ये चार पत्ते हैं, चार पत्तों से दो दो की छह टीम बन रही है, तो 52 पत्तों से दो दो की कितनी टीम बनेगी, ऐसे नहीं गिन पाओगे, समझ आ रही बात, कैसे निकालेंगे इसको, 4C2 से निकालेंगे, देखो छह टीम बन रही है, तो 4C2 तो 2 है, तो 2 4 1 3, बताइए 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट बन रही है 6 टीमें, तो जब 4 पत्तों से दो दो पत्तों की 6 टीमें बनेगी, तो 52 पत्तों से दो दो पत्तों की कितनी टीमें बनेगी, 52C2, तो इस सवाल के टोटल में हर बार 52C2 आएगा, क्या हाथ से गिन पाओगे क्या, दो दो 52 में से दो दो का जोड़ा पकड़ पकड़ के गिन पाओगे क्या, नहीं। तो अब आपको पता चला कि संचय का यूज क्या है, क्रमचय संचय का यूज क्या है, समझ आ रही बात, बोलो आ रही कि नहीं आ रही, 52 में से दो दो लोग चुनते रहोगे तो 1326 बनेंगे टोटल जोड़े, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो क्या यूज है संचय का, समझ आई बात, क्या यूज है क्रमचय का, समझ आ रही बात, गिनेंगे थोड़ी ना हाथ से, ये फॉर्मूले बनाए गए इसीलिए। तो बताइए 52C2 आएगा कि नहीं आएगा, तो इस सवाल नंबर दो के एक्शन में सबके बटे में 52C2 फिक्स है क्या, बोलो फिक्स है कि नहीं है, और 52C2 1326 होता है, क्या होता है 1326, समझ आ रही बात, ठीक है, हल मत करो आप, तो सिर्फ 52C2 क्या लिखना है आपको, सीधे 52C2 मत सॉल्व करिए, 1326 पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबके बटे में 52C2 फिक्स है कि नहीं है, समझ में आ गई प्रैक्टिकली बात, 52C2 क्या है,
क्या बता रहा 52C2? टोटल रिजल्ट बता रहा कि नहीं बता रहा? दो दो के इस एक्शन के टोटल परिणाम की संख्या बता रहा है कि नहीं बता रहा है 52C2? सी का यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो, अभी तक हमने प्रायिकता में कर्मचारी संचय का यूज नहीं किया, अब चालू होगा कर्मचारी संचय का यूज प्रायिकता में। चलो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट अब सुनो, नीचे तो लिख देता हूं 52C2, बहुत गहराई से देखना पड़ेगा अब आपको। हाँ, जितनी गहराई में आप लोग आज तक नहीं गए उतनी गहराई से देखना पड़ेगा। क्या है ना, आपके समझ में आई नहीं मैंने क्या बोला। इधर देखो 52C2। हाँ, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। ये पहले की क्या डिमांड है? पहले की दोनों लाल, अब सुन लेना, सुन लेना, दोनों क्या है? अब सबसे पहले आप इमेजिन करो, अपने आप को इस सवाल के अनुरूप ढालिए। कैसे? एक्शन, एक्शन को थोड़ा सा रियलाइज करिए। जब दो पत्ते बाहर निकलेंगे क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों लाल निकल जाए, हो सकता है दोनों काले। टोटल पॉसिबिलिटीज सोचो अपने दिमाग में, तो मजा आएगा फिर आपको सवाल करने में। दोनों लाल आ सकते हैं, आप खुद सवाल, आप खुद डिमांड कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए। दोनों लाल आ सकते हैं, दोनों काले आ सकते हैं, या फिर एक लाल एक काला, दोनों अलग अलग रंग के आ सकते हैं। समझ आ रही बात? दोनों बादशाह, आप बोले थे शकल से लगते तो नहीं हो यार आप हैं। पकड़ा गए इस बार है? नहीं, दोनों गुलाम क्यों नहीं बोला आपने? दोनों बेगम, या फिर दोनों इक्के क्यों नहीं बोला? दोनों बेगम ही क्यों बोला ये बताओ आपने। रुको एक मिनट, बोलेंगे, रुको। हाँ है, क्या क्या होता है पता है? मैंने बहुत चीज देखी है क्लास में। क्या है ना, जब शुरुआत में एडमिशन लेता ना विद्यार्थी, तो सच में बहुत सीधा साधा रहता है वो, जीवन भर बहुत सीधा साधा रहता है वो। लेकिन जब वो संगति थोड़े से अलग लोगों की मिलती है ना, फिर वो बदल जाता है। ये जो व्यक्ति जो बोले ना अभी, ये मतलब बहुत चलो इधर देखो सुनो। तो इमेजिन करिए, या तो दोनों पत्ते क्या हो, लाल, या फिर दोनों पत्ते काले, या फिर दोनों पत्ते गुलाम, गुलाम या फिर दोनों पत्ते इक्के। समझ आ रही बात? या फिर बहुत सारी डिमांड हो सकती है क्या? समझ आ रही बात? क्लियर है? अच्छा, और ये जो डिमांड की संख्या है, डिमांड जितनी भी करोगे वो 1326 के अंदर से ही करोगे, क्योंकि टोटल रिजल्ट ही दो दो के कितने, 1326। तो जो भी डिमांड आपके ऊपर आएगी वो 1326 की संख्या के अंदर से निकल निकल के आएगी कि नहीं आएगी? मतलब ऊपर की डिमांड की संख्या कभी भी 1326 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, इसीलिए प्रायिकता की संख्या कभी भी 1 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी। ऊपर वाला संख्या हमेशा नीचे वाले से छोटा रहेगा, ठीक है? तो अब हम सवाल बनाए तो हम डिमांड कर सकते दोनों पत्ते लाल हो, दोनों पत्ते काले हो, एक लाल हो एक काला हो। समझ आ रही बात? क्लियर है? दोनों बादशाह हो, दोनों बेगम हो, दोनों गुलाम हो, दोनों इक्के हो। समझ आ रही बात? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनो। अब सुन लेना, दोनों लाल हो तो टोटल दोनों पत्ते किसके अंदर से निकालने? लाल में से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए? लाल। तो दोनों ही पत्ते लाल के अंदर चुनना है। टोटल लाल कितने? 26। 26C2 आएगा। ये जो डिमांड है इसको संचय की भाषा में लिखना सीखें। समझ आ रही बात? लाल निकालना है, दोनों लाल, लाल कितने हैं? 26। 26 में से दो, 26C2 आएगा। दोनों रेड रेड का 26C2। पॉइंट बी को क्या चाहिए?
दोनों काले होने चाहिए, ये भी 26 सी टू आएगा, क्या आएगा ये भी 26 सी टू, वेरी गुड, बोथ आर ब्लैक। सॉल्व बाद में करेंगे, सॉल्व मत करो आप, है ना। हाँ, तीसरे की क्या डिमांड है, दोनों हुकुम के, और टोटल हुकुम कितने होते हैं 13, तो 13 सी टू। अरे 13 में से दो चुनना है ना, चुनना तो दो ही है ना, 13 सी टू, दोनों हुकुम के हो, डी को क्या चाहिए डी को क्या चाहिए, बादशाह चाहिए, दोनों बादशाह हो, बादशाह टोटल कितने होते हैं 4। ई पर आ जाइए, ई क्या चाहिए, ई को, हाँ अब करो सुनो मेरी बात, ई और एफ अभी छोड़ दो, लास्ट में आएंगे, ई एफ के बाद सीधे जी पर आ जाइए, एक लाल और एक काला, तो 26C1 समझो, एक लाल, लाल कितने होते 26, तो उस 26 के समूह में से एक चुनना है कि नहीं चुनना है, और काला भी 26 में से एक चुनना है कि नहीं चुनना है, तो 26C1 आएगा कि नहीं आएगा, 26C1 बीच में गुणा लगाऊं कि प्लस, उल्टा क्यों बोलते हो हमेशा है, गुणा लगेगा। सुनो अब मेरी बात सुन लो, अब यहां गुणा और प्लस की कहानी सुन लो आप, ये जो पिछला वाला सवाल था ना, ई और एफ, उसमें प्लस लगता, इसमें लग रहा मल्टीप्लाई। अच्छा उद्देश्य क्या है, दो पत्ते, दोनों एक एक ही है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पिक्चर क्या है, दो पत्ते खींचने वाला है कि नहीं है, सामने वाले की डिमांड दो पत्ते के टीम की है कि नहीं है, ये एक पत्ता है, दोनों अधूरे हैं कि नहीं एक दूसरे के बिना, दोनों मिलेंगे तब जाके उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा, तो अधूरे हैं तो आपस में रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, एक दूसरे का रिलेशन बनाना पड़ेगा, जब आपस में रिलेशन बनाने की जरूरत पड़े तो लगता है इनटू, जब आपस में रिलेशन बनाने की जरूरत पड़े तो लगता है इनटू, समझ आ रही बात क्लियर, और रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़े, दोनों अपनी अपनी जगह उद्देश्य को पूरा कर पा रहे अकेले अकेले, तो फिर बीच में क्या लगाओगे प्लस, समझ में आ रही बात, दो पत्ते निकालने का टारगेट है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, दो पत्ते का टारगेट पूरा कर रहा है अकेला, क्या ये कर रहा, नहीं, दोनों के एक और एक लाल और काले मिलेंगे, क्या उद्देश्य उसका, लाल और काले का जोड़ा चाहिए ना उसको, क्या अकेले लाल पत्ते सेटिस्फाइड है वो, क्या अकेले काले से सेटिस्फाइड है, लाल और काले का जोड़ा चाहिए ना, तो जोड़ा तब बनेगा जब आपस में रिलेशन बनेगा, समझ आ रही बात, तो रिलेशन बनाने का साइन है इनटू, और जब रिलेशन बनाने की आवश्यकता न पड़े, सेपरेट रखना पड़े, तो सेपरेशन का साइन है प्लस, या फिर ऐसा मान लो कि जब एंड आता है तो इनटू लगता है, और ओ आर ओर आता है तो प्लस लगता है, एंड है ना यहां पे लिखा हुआ, देखो वन इज रेड एंड अदर वन इज ब्लैक, एंड बोलो या हिंदी में तथा बोलो, और बोलो व बोलो, लाल व काला, लाल तथा काला, लाल और काला, तो इसका मतलब एंड ही हुआ ना सबका, यदि ऐसा बोले या और इंग्लिश में ओ आर और, तो उसमें फिर बीच में प्लस आएगा। तो क्या बोला है, एक लाल तथा एक काला, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा पत्ता चुनना है और कितने लोग हैं उसमें से, उसको चुनने के आधार पे एन और आर बन जाएगा आपका। चलो ये एफ है ना, जी है, सॉरी ई और एफ हमने छोड़ा हुआ है, अभी जी के बाद आ जाइए एच पर। अब देखो देखो ये दिमाग लड़ा रहा सवाल बनाने वाला, ये ऐसा सोच रहा है कि हमको आएगी नहीं समझ में क्या बोल रहा है, हम ऐसे ही थोड़ी ना है, फिर ये मतलब हमको ऐसे ही समझ रहा है, मतलब हमको कुछ आएगा ही नहीं, देखो कैसी भाषा घुमाए ये, एटलीस्ट वन इज रेड, कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल का मतलब एक लाल, दो लाल, तीन लाल, चार लाल, पांच लाल, अब तो इन्फिनिटी, कम से कम एक लाल का मतलब एक लाल हो,
अच्छा पिक्चर क्या है, दो पत्तों का पिक्चर है कि नहीं है? हर एक एक्शन में दो पत्ते का पिक्चर फिक्स है कि नहीं है? तो उन दो पत्तों में एक लाल हो तो भी चलेगा, दोनों लाल हो तो भी चलेगा, कम से कम एक लाल का मतलब। सबसे पहले पिक्चर, एक्शन को मत भूलना। एक्शन है दो पत्तों का जोड़ा निकलेगा हर बार में, तो उस दो पत्ते के जोड़े के अंदर क्या डिमांड है उसकी, कि एक लाल हो दोनों में से तो भी चलेगा, दोनों लाल हो तो भी चलेगा। तो एक लाल दो लाल, तो एक लाल तो बाकी दूसरा काला लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्शन तो दो के जोड़े की है ना, तो दो के जोड़े में एक लाल आना चाहिए। तो दो के जोड़े में यदि एक लाल आना चाहिए तो दूसरा पत्ता क्या होना पड़ेगा, एक पत्ता नहीं निकाला जा रहा है, कितने पत्ते निकालने की एक्शन है, दो का जोड़ा निकलेगा, उस दो के जोड़े में एक लाल आ जाए वो जोड़ा भी चलेगा। तो एक लाल मीन्स क्या, किसी जोड़े में एक लाल मतलब क्या, वो एक लाल एक काला वाला ही केस हो गया ना, या फिर दोनों लाल हो तो भी चलेगा। तो दो केस बनेंगे, एक रेड एक ब्लैक, और दोनों रेड रेड, समझ आ रही बात, एक रेड ब्लैक और दोनों रेड रेड, आएगा कि नहीं आएगा? और तीसरा तो कुछ भी नहीं है ना, बस चलो। तो रेड ब्लैक और रेड रेड, अच्छा इन दोनों के बीच में प्लस आएगा, दोनों ही टास्क पूरा कर रहे हैं क्या, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोनों ही टास्क पूरा। ये भी दो पत्ते हो गए कंप्लीट है, ये भी दो लाल दो का जोड़ा हो गया कंप्लीट है कि नहीं है, क्लियर? तो अब देखिए रेड एंड ब्लैक के लिए क्या आएगा, 26C1 × 26C1, ये आएगा रेड एंड ब्लैक के लिए, प्लस लाल के लिए 26C2, दोनों लाल के लिए 26C2, दो लाल पत्ते निकालने हैं तो लाल टोटल कितने, 26। अरे दो लाल खींचने ना तो लाल टोटल कितने, 26 में से दो, 26C2 एक ही बार में आ जाएंगे। ये देखो ना, ये दो लाल 26C2 था कि नहीं था, दो लाल के लिए, तो दो लाल के लिए 26C2, और दूसरा एक लाल एक काला, तो एक लाल एक काले का कहां कैसे, ये क्या, ये एक लाल एक काला ही था ना ये, तो एक लाल एक काले के जोड़े के लिए 26C1 × 26C1 आता है। ये समझ में आया? आया 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 आया, वेरी गुड। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बोलने की कि नहीं आया, लेकिन बोल नहीं पा रहे। नहीं आ गया, मेरे को पता है, आपको थोड़ी ना पता आपको आया समझ में, मेरे को पता है आपको आया समझ में। आपको पता थोड़ी ना है, आपको पता है आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं पता, हाँ इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आया आपको समझ में। समझ में आना ही चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट बातें। पहली चीज, कम से कम एक लाल का मतलब क्या समझते हो आप? अच्छा एक्शन क्लियर है आपके मन में, दो पत्ते का जोड़ा, हर बार दो पत्ते का जोड़ा ही निकलेगा, तो उस दो पत्ते के जोड़े में कैसा पिक्चर की डिमांड है, कम से कम एक लाल होना चाहिए, कम से कम एक लाल होना चाहिए। तो एक लाल वाला केस होगा वो भी चलेगा दोनों में से, और दोनों लाल वाला केस होगा वो भी चलेगा, तो दो केस बनेंगे क्या नहीं बनेंगे उसकी डिमांड पूरी करने वाले। अब दोनों लाल वाला केस आपको पता है कैसे लिखते हैं, 26। लाल काले वाला केस कैसे लिखते हैं पता है, 26C1 × 26C1, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बात, क्लियर है तो नहीं? अरे इधर ध्यान दो आप लोग, देखो सुनो, अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? चलो H के बाद I, I की क्या डिमांड है, दोनों अलग अलग कलर क्यों, यही सवाल है, दोनों अलग अलग कलर मतलब एक लाल और एक काला, 26C1 × 26C1 अपॉन में 52C2। I के बाद J, देखो ये J यहां ले रहा हूं, J ये देखो J, J रहा, जे जे को क्या चाहिए, दोनों सेम कलर के हो, सुनो मेरी बात, दोनों सेम कलर के हो, बोलो क्या आएगा ऊपर, बोथ आर ऑफ सेम कलर, आप लोग ना, आप लोग थ्योरी बार बार लगाते हो, प्रैक्टिकल खेलो ना, क्या बोल रहा वो, एक्शन पता आपको क्या है, दो का जोड़ा बाहर निकलेगा,
वो दोनों सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर मीन्स या तो दोनों लाल या फिर दोनों काले। दो केसेस बनेंगे, प्लस होंगे दो केस। अरे प्रैक्टिकल हो ना यार, दो का जोड़ा बाहर निकलेगा हर बार, ये एक्शन है। तो दो के जोड़े में क्या बोल रहा है वो, दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो दो पॉसिबल केसेस है सेम कलर में, या तो दोनों लाल या फिर दोनों काले, या तो रेड रेड या फिर ब्लैक ब्लैक। अब रेड रेड का 26 C2 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। दो लाल, दो लाल तो टोटल लाल 26, 26 में से दो, और दो काले टोटल काले 26, 26 में से दो। तो बताओ आएगा 26 C2? ठीक है। अच्छा है, प्लस क्यों लग रहा है बीच में? क्योंकि दो चाहिए, ये भी दो है, ये भी दो है। जब सेम संख्या हो तो प्लस लगा देना, जब सेम संख्या ना उससे कम हो तो इनटू लगा देना। एक और एक जुड़ेगा तब दो होगा, तो इनटू लगा देना। ये दो दो कंप्लीट है ना, तो प्लस आएगा। चलो इसके बाद के पर आ जाइए। बादशाह ना हो तो बादशाह ना हो ऐसे पत्ते कितने, 48। बादशाह ना हो ऐसे कितने लोगे, 48 C2 आ जाएगा ऊपर। बादशाह नीचे क्या आएगा, 52 C2, और बादशाह ना हो तो 48 C2। दोनों चित्र पत्ते हो 16 C2, बताओ दोनों चित्र पत्ते हो, चित्र पत्ते कितने होते हैं, 16, तो 16 C2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। L के बाद M, कोई पत्ता संख्या वाला नहीं हो, ये भी 16 C2, जो चित्र पत्ते हैं वही तो संख्या वाले नहीं है, तो M का भी 16 C2 आएगा। अब दो बचे हैं, वो दो कौन है, E और F, इनको सॉल्व कर लोगे आप लोग? देखो जब हल करो ना तो पूरा पूरा हल करके मत लिखना, यहीं पे खोलना दोनों को, सीधे कट जाएगा सब। अलग से 52 C2 1326 मत निकालना, मैं बताता हूं एक दो सॉल्व करके आपको। हो गया क्या, है ना? देखो जैसे इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, ए को 26 C2 कैसे लिखोगे, 26 × 25/2 × 1, और 52 C2 52 × 51/2 × 1, इस प्रकार से लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 26 × 26 × 25/2 × 1, और 52 × 52 × 51/2 × 1 लिखोगे? ये दो एक, दो एक तो कैंसल्ड है, 26 × 2 = 52, तो 25/102 आ रहा है, 25/51 × 102, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे सॉल्व करना है, समझ आई बात? अलग अलग निकालना नहीं है दोनों को, वहीं खोलो सीधे और वहीं पे काटो, है ना, बहुत इजीली कटेगा सब। ये जो लिखा मैंने 26 × 25/2 × 1, समझ में आया ना, 26 C2, तो दो दो सर्कल बनेंगे ऊपर नीचे, 26 25 और 2 और 1। चलो अब ई और एफ पर आ जाइए। ई और एफ पर आ जाइए फटाफट जल्दी से। ये कॉपी हो गया सभी का, मिटा दूं क्या, कर रहे हो, कर लो कॉपी कर लो।
ये जो E और F है, ये प्रायिकता के लास्ट के लिए छोड़ दें क्या? बाद में करवाएंगे तो बहुत सारा कवर हो जाएगा आगे, अभी छोड़ देते हैं लास्ट के लिए। E और F छोड़ दो, अरे 10 मिनट खा जाएगा कम से कम ये अभी समझाने में। E और F छोड़ दो, अरे होंगे ना, आप बोल देना, मैं करा दूंगा। चलो कर ही लेते हैं। ये देखो 52C2, क्या डिमांड है? डिमांड ये है, या तो दोनों लाल हो या फिर दोनों बादशाह। इधर देखो, या तो दोनों RR हो या फिर दोनों KK हो, या तो दोनों लाल हो या फिर दोनों बादशाह। तब सुनो मेरी बात, 26C2 बोलो आएगा, 26C2 ये 4C2 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2C2, ये इसकी समस्या है ना, दोनों लाल हो या फिर दोनों बादशाह। तो दोनों लाल 26C2, दोनों बादशाह 4C2। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है सुनना, उद्देश्य क्या है? दो पत्तों का जोड़ा, दो पत्तों का जोड़ा, या तो वो दोनों पत्तों का जोड़ा लाल लाल हो या फिर दोनों क्या हो? बादशाह। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? या तो दोनों लाल हो या फिर दोनों बादशाह। अब कुछ पत्ते ऐसे होंगे जिनके पास दोनों विशेषताएं होंगी, आर बी और के बी। होंगे क्या कुछ पत्ते ऐसे जो लाल भी होंगे बादशाह भी होंगे? इधर हमने दोनों लाल के जोड़े लिए, इधर हमने दोनों बादशाह के जोड़े लिए। अब कुछ पत्ते ऐसे होंगे जो लाल भी होंगे बादशाह भी होंगे, जैसे जैसे ये वाला बादशाह, ये लाल भी है और, अरे यार ये लाल भी है और, ये ईंट लाल होता है ना कि काला होता है? कच्चा होता है तब काला होता है, ईंट बाद में लाल होता है, तो ईंट क्या है? लाल है। तो लाल भी है और बादशाह भी है। ऐसे ही एक और पत्ता, ये लाल भी है और, तो ये एक जोड़ा जो है, ये जोड़ा इधर भी गिन लिया गया और ये जोड़ा इधर भी गिन लिया गया, तो इस जोड़े को माइनस वन करके कवर करेंगे। इसको लेना है, इस जोड़े को लेना है। क्या बोला? या तो दोनों लाल हो या फिर दोनों बादशाह। यदि लाल और बादशाह दोनों एक साथ हो वो भी चलेगा, या का मतलब दोनों एक साथ हो वो भी चलेगा। तो आप देखिए, ये दोनों पत्ते आर आर भी हैं और दोनों पत्ते के के भी हैं। अरे दोनों पत्ते रेड रेड भी हैं और दोनों पत्ते बादशाह बादशाह भी है ना? तो ये यूनिक जोड़ा ऐसा है, ये एक ही जोड़ा पूरी ताश की गड्डी में, ये एक यूनिक जोड़ा ऐसा है जो दोनों कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई हो रही है, दोनों रेड भी है और दोनों किंग भी है। समझ आ रही बात? तो ये एक ही यूनिक जोड़ा है, ये यूनिक जोड़ा इधर भी काउंट हो चुका है एक जोड़े के रूप में, और ये यूनिक जोड़ा इधर भी काउंट हो चुका है, क्योंकि जब आप दो बादशाह के जोड़े बनाते हो। अच्छा, दो बादशाह के जोड़े कितने बनेंगे? छह। दो बादशाह के जोड़े कितने बनेंगे? छह। चार बादशाह होते हैं टोटल, तो चार बादशाह में चार लोगों में से दो दो की छह टीम बनती है, तो चार बादशाह में से दो दो बादशाह के छह जोड़े बनेंगे, तो 4C2 क्या देगा आपको? 6 देगा। क्या देगा? 6, कि भैया दो दो बादशाह के जोड़ों की संख्या कितनी है? 6। तो इन 6 जोड़ों में बादशाह का ये वाला जोड़ा भी गिन चुका है, बोलो आ चुका है कि नहीं आ चुका है? और जब हमने लाल लाल के जोड़े बनाए, लाल लाल पत्तों के जोड़े बनाए, तो ये लाल लाल पत्तों के सारे जोड़े आ गए, और ये भी दो लाल पत्ते हैं कि नहीं है, तो ये जोड़ा भी इधर गिना गया कि नहीं गिना गया? तो इस जोड़े को लेना है, इस जोड़े को भी गिनना है, बट कितनी बार गिनना है? एक बार।
ये जोड़ा इधर भी काउंट हो गया, इधर भी काउंट हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के उसमें से वन क्या करना पड़ेगा, माइनस वन माइनस करो, या फिर टू सी टू, टू सी टू भी वन ही होता, टू सी टू मतलब दो पत्ते कॉमन है ना, इन 26 में और इन चार में बताओ दो पत्ते कॉमन है कि नहीं है, 26 लाल में और उन चार बादशाहों में दो पत्ते कॉमन है कि नहीं है, इन चार बादशाहों में भी वो दो लाल आ गए और इन 26 लाल में भी दो बादशाह आ गए कि नहीं आ गए लाल वाले, तो 26 और चार में कितना कॉमन है, दो, कितना कॉमन है, दो, और दो में से दो ही निकालना है, जोड़ा तो दो का ही चाहिए ना, तो टू सी टू कितना देगा आपको, वन, या फिर प्रैक्टिकली समझो तो वो एक जोड़ा दो बार आ चुका है तो उसको हम एक बार क्या करेंगे, माइनस, समझ गए, बोलो समझ गए, गुड, क्या बात है, तो ये ई, अब इसके बाद एफ, दोनों हुकुम, दोनों चिड़ी या दोनों गुलाम, अच्छा आप चिड़िया कितनी होती है, 13, इनको चिड़ी क्यों बोला गया यार, ये चिड़िया जैसा तो है ही नहीं, तेरा सी टू, चिड़ी हो या गुलाम हो, गुलाम, 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 तो गुलाम कितने होते हैं, चार, फोर सी टू, ठीक, गुलाम, गुलाम, गुलाम का पिक्चर कैसा बनेगा, जे जे, जैक जैक, वो पिक्चर देखी आपने, वो जैक नाम से है ना कोई, कौन सी पिक्चर है, जैक स्पैरो, कितना फेमस आदमी हो, नहीं वो नाव में ही झूलता रहता है हमेशा, मैंने देखा उसे, वो तूफान में नाव होती है और नाव में झूलता रहता है इधर से उधर, है ना, जैक स्पैरो नाम है, जैक स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, इधर देखो, इधर देखो, या तो दोनों चिड़ी हो या फिर दोनों गुलाम, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अरे सबसे, इधर देखो, क्या इन दोनों में कोई एक जोड़ा कॉमन है जो दोनों जगह आ गया, नहीं, कैसी बात करते हो, क्या दो गुलाम कभी चिड़ी के होते हैं, अरे दोनों गुलाम चिड़ी के हो सकते हैं क्या, क्या है दोनों पत्ते चिड़ी के हो सकते हैं, दोनों गुलाम तो नहीं है ना कॉमन, नहीं है ना कॉमन, जोड़ा, जोड़ा कॉमन नहीं है, एक पत्ता कॉमन होने से कुछ नहीं होता, हमारी दुनिया दो पत्तों की है, दो पत्ते खींचने की, तो दो पत्ते मिलके एक जोड़ा बनाते हैं और यहां जोड़ों की संख्या की बात हो रही है, तो कोई भी जोड़ा कॉमन नहीं है ना, फोर सी टू आपको छह देगा, यानी कि छह जोड़े है कि नहीं है, तो छह जोड़े हैं वो, मतलब एक जोड़ा मतलब वो दो पत्ते का कॉम्बिनेशन, समझ आ रही बात, तो जोड़ा तो कोई भी कॉमन नहीं है ना, जोड़ा दो पत्ते से बनेगा, क्या दो पत्तों का पेयर कोई कॉमन है क्या इन दोनों में, नहीं है ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, 75% विद्यार्थी केवल देख रहे हैं हाँ मैं हाँ मिला नहीं रहे मेरे साथ, मतलब कि आया कि नहीं आया कि आ गया ये जो मैं बोल रहा हूं दो का जोड़ा, आप बोल रहे हो एक पत्ता कॉमन है, ये समझ में आया आपको, ये आपको क्या देगा, जोड़ों की संख्या देगा, किसकी, पेयर, टीम की संख्या, तो कोई एक टीम कॉमन है क्या दोनों में, नहीं ना, टीम दो से बनेगी, क्या ऐसे दो लोग हैं जो इसमें भी इसमें भी है? नहीं है, अरे नहीं है ना, एक ही गुलाम है इधर चीड़ी का, दो गुलाम नहीं है ना इधर, समझ आ रही बात, या फिर एक ही पत्ता चीड़ी का हो सकता है इधर, क्या दोनों गुलाम चीड़ी के हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, तो क्या कोई दो पत्ते कॉमन है, दो पत्ते कॉमन होते तो उनसे एक जोड़ा बनता जो एक जोड़ा कॉमन होता, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दिस टू आर, इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गॉट इट, एंड दिस इज सिंपल स्पेस, दिस इज सिंपल स्पेस,
ये समझ रहे, चलू आगे? ठीक है, नहीं समझ में आए ना तो प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद याद दिला देना, फिर से कहानी सुना दूंगा, पूरे जोड़े बना बना के बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो आगे कितना शानदार, बहुत अच्छे सवाल है ये, और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है ना। चलो मिटा दो इसको। मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या, है ना? चलो देखो, एक बैग है, इस बैग में तीन काली गेंद है, तीन काली, B1, B2, B3, है ना, और चार हरी, ग्रीन, G3, G4, और काली कितनी है, सॉरी पांच काली, अरे तीन तो लाल है ना, ये तो बोल नहीं रहे हो आप, तो रेड 1, 2 और रेड 3। अच्छा काली कितनी है, पांच, B1, B2, B3, B4 और B5, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर तीन लाल, चार हरी और पांच काली। अच्छा कितने लोग हैं इस घर में, 12 लोग हैं क्या, 12 में से एक को चुनने का एक क्षण है, 12 में से एक को ही चुनना है, दो को चुनना है, इकट्ठा एक चुनना है, फिर पॉइंट टू में दो को चुनने वाली एक क्षण है ना, एक को चुनना है, तब बताइए टोटल में हमेशा 12 आएगा, 12 में से एक को चुनना है तो वो एक कितने प्रकार से आ सकता है, 12 लोग है 12 प्रकार से, है ना। इस बेग को मैं इधर भी बना देता हूं, तीन लाल है, पांच काली है और चार हरी, तीन लाल है, पांच काली है और चार हरी है, इस प्रकार से देखना संख्या इजीली समझ आएगी। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझ पाओ कि तीन लाल गेंदे मतलब तीनों एक से आदमी नहीं है, तीन लाल मतलब तीन अलग अलग इंसान है, वो लाल कलर के, तीन लोग है, समझ आ रही बात, ये पांच लोग है और ये चार लोग है, टोटल 12 इंसान अंदर बैठे थैले के अंदर। अब ऐसे एक एक को खींचेंगे हम, है ना, बाहर, ठीक है। अब सुनो क्या एक्शन है, अचानक एकदम से एक को निकालना है बाहर, तो टोटल रिजल्ट फिक्स 12 आएगा सब में, ए में 12, बी में 12, सी में 12, डी में 12, ई में 12, एफ में 12, जी में 12, एच में 12, कहां तक है, बस ठीक है। चलो इधर देखो कहानी क्या है, सुनिए क्या है, पहले की डिमांड लाल हो, कितने लाल लोगे, तीन, तीन तो 1/4, बी को क्या चाहिए, काली गेंद, कितने, पांच, 5/12, सी को क्या चाहिए, हरी गेंद, हरी गेंद 4, 1/3, डी को क्या चाहिए, लाल हो या हरी हो सब में अग्री है, तो सातों में अग्री है, सातों में लाल हो या हरी हो, तो लाल हो या हरी हो दोनों में अग्री, यानी कि टोटल 7 लोगों में फेवर कर रहा है वो। ई, ई को क्या चाहिए, लाल या हरी या काली, 12/12 में फेवर है, लाल या हरी या काली। एफ, एफ को क्या चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए गेंद, काली नहीं मतलब 7 लोग, काला नहीं, तो काले नहीं में कितने लोग फेवर करेंगे, 7, है ना। ये लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताओ, क्या बात कर दी आपने,
जी वाले का लास्ट वाले का क्या जीरो जीरो। रेड एंड ब्लैक का मतलब समझते हो आप, क्या शब्दावली है वो, तो इसीलिए जीरो आएगा ना। रेड एंड ब्लैक का मतलब वो जो एक गेंद निकाली उस पे लाल और काला दोनों कलर होना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड का मतलब साथ में, लाल और काला दोनों एक साथ एक ही गेंद पे चाहिए उसको। क्या आपके एक ही रिजल्ट पे लाल और काला दोनों कलर पॉसिबल है क्या? नहीं, तो प्रायिकता विल बी जीरो। एंड और में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो ये और था, और मतलब सिर्फ लाल हो तो भी चलेगा, सिर्फ रहो तो। एंड का मतलब लाल और काला दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ के लिए जीरो है ना, एक भी गेंद लाल और काला दोनों रंग की नहीं है। चलो अब आ जाओ पॉइंट टू पर। हो गया क्या ये? बोलिए हो गया है, मिटा दो इसको, अगले सवाल पे आते। मिटा दो इसको, हो गया ना, रफ कर दूं? ठीक है। चलो अब देखो, दो गेंदे इकट्ठा निकालनी है, दो गेंदे इकट्ठा निकालोगे संचय की जरूरत पड़ेगी C2C2 की। जैसे कार्ड में दो वेरिएशन देखे थे, जब एक पत्ता निकालना हो तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, दो पत्ते निकालने में जरूरत पड़ती थी, वैसे ये भी केस है। सेम यही थैला है, यही बैग है, 12 C2 आएगा नीचे, 12 में से दो निकालोगे 12 C2। दोनों लाल हो, अच्छा लाल कितनी टोटल? 3 3C2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दोनों लाल हो तो लाल कितने? 3 3C2। देखते जाओ फिर, कॉपी कर लेना, अभी समझ लो, दिमाग लड़ा लो, है ना, समझ में आ रहा है तो कॉपी करो, मैं कोई दिक्कत नहीं। दोनों हरी हो तो हरी 4 में से 2 4C2। तीसरे को क्या चाहिए? दोनों सेम कलर की हो, जो दो गेंद निकाली सेम कलर की हो, कितने पॉसिबल केसेस है? 3। दोनों काली, दोनों लाल, दोनों हरी, 3 केसेस जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जैसे पत्तों में, ताश के पत्तों में दोनों सेम कलर के हो, या दोनों लाल प्लस दोनों काले, तो यहां 3 केसेस आएंगे सेम कलर में, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? या तो दोनों रेड रेड, या फिर दोनों ब्लैक ब्लैक, या फिर दोनों ग्रीन ग्रीन। दोनों रेड की बात करोगे 3C2, दोनों ब्लैक की बात करोगे 5C2, दोनों ग्रीन की बात करोगे 4C2। क्लियर? डी में आ जाते हैं, दोनों अलग अलग रंग की हो, यहां भी 3 केसेस बनेंगे, दोनों अलग अलग रंग की में 3 केसेस बनेंगे, या तो रेड ब्लैक, या फिर ब्लैक ग्रीन, या फिर रेड ग्रीन, बनेंगे 3 जोड़े अलग अलग रंग के, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3। तो रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, आगे पीछे करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में ही आएगा वो, है ना। तो एक हो गया रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, एक हो गया ब्लैक ग्रीन, और एक हो गया रेड ग्रीन, है ना। तो रेड ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, और है रेड ग्रीन, है ना, रेड ग्रीन। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। रेड ब्लैक, ध्यान देना अब लिखने में थोड़ा, रेड ब्लैक, ब्लैक ग्रीन और रेड ग्रीन,
या ग्रीन रेड, प्लस प्लस दो गेंदें निकालनी है, कंप्लीट है दोनों दोनों दोनों, इसलिए तीनों को सेपरेट रखेंगे प्लस साइन लगा के, है ना। अब एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक, तो रेड कितनी है तीन, तो एक रेड निकालने के लिए तीन में से एक 3c1 और एक ब्लैक निकालने के लिए पांच में से एक 5c1। बताओ ऐसे आएगा रेड और ब्लैक, देखो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ब्लैक और ग्रीन की बात करते हैं, है ना, ब्लैक और ग्रीन, तो ब्लैक पांच में से एक और ग्रीन चार में से एक। अब रेड और ग्रीन की बात कर लेते, रेड तीन में से एक और ग्रीन चार में से एक। ये हो गया ए बी सी डी। अब ई, ई को क्या चाहिए, एक लाल और एक काली, तो बहुत ही सरल है ये तो, एक लाल और एक काली, यानी कि रेड और ब्लैक, सीधे सीधे बोल दिया, घुमाया नहीं इसने, अच्छा है ये, एक लाल और एक काली, तो लाल तीन में से एक 3c1 और काली पांच में से एक 5c1। आया समझ में, एक लाल और एक काली चाहिए ना, एक लाल और एक काली, उसको काली लाल कर दो उल्टा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, इंटू में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब एफ में कम से कम एक गेंद काली हो, कम से कम एक गेंद काली हो, एफ को लास्ट में करेंगे, जी पे आ जाओ सीधे। कौन बोला था ये? चलो एफ पे आ जाओ, एफ पे चलो, एफ कर ही लेते पहले, है ना, एफ कर लेते। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, है ना। ये हो गया क्या, कॉपी कर लिया तो बोलो, फिर बढ़ाता हूं आगे, ये कॉपी कर लो आप लोग। हो गया क्या, कॉपी कर लिया सबने, ठीक है। चलो मिटा दूं क्या इसको, बोलो सॉल्व कैसे करना है पता है ना, अलग अलग हल करके वैल्यू नहीं लगाना, वहीं पे करना है सारा। चलो एफ पर आ जाते हैं, ध्यान देना, एफ एफ की बात करें तो क्या डिमांड है, ट्वेल्व सी टू, एटलीस्ट वन इज ब्लैक, कम से कम एक गेंद काली हो, कम से कम एक गेंद काली, मतलब एक काली दो काली तीन काली, अब तो इन्फिनिटी, लेकिन हमारे दो ही केस पॉसिबल है, गेंद दो है, या तो एक काली वाला केस आएगा या फिर दो। एक चीज जरूर ध्यान रखें,
कि रिजल्ट आपकी दो गेंद के कॉम्बिनेशन का है, तो उस दो बॉल वाले रिजल्ट में एक काली होगी तो भी सेटिस्फाइड है, और दोनों काली होगी एटलीस्ट वन इज ब्लैक, कम से कम एक गेंद काली हो, कम से कम एक गेंद काली का मतलब एक काली होगी तो भी चलेगी, उस दो की टीम में एक काली होगी तो भी चलेगी, दोनों काली होगी तो भी चलेगी। तो एक काली बाकी दूसरी कोई भी कलर की हो सकती है या फिर दोनों काली, ये दो केस बनेंगे क्या? काले के साथ दो केस बनेंगे, काले के साथ लाल या फिर काले के साथ हरा, दो केस निकलेंगे इससे, लेकिन दो को मैं एक ही में खत्म कर दूंगा, एक काला और दूसरा काले को छोड़ के दूसरा कोई और कलर, समझ आ रही बात? तब ध्यान देना, सबसे पहले दोनों ब्लैक वाला केस हम कर लेते हैं, तो दोनों ब्लैक वाले की बात करेंगे तो बताइए 5C2 आएगा, दोनों काली तो टोटल 5, 5C2। अब यहां ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, एक काली और दूसरी कोई और, तो एक काली तो काली कितनी है 5, 5 में से एक, एक काली ची बाकी दूसरी कोई और, तो कोई और में 7 लोगे, 7C1, कोई और में 7 लोग हैं, तो एक काली और दूसरी कोई और में कितने लोग हैं 5 को छोड़ के 7, तो 7C1 आ गए इसमें सारे केसेस, काले के साथ हरा भी आ गया, काले के साथ लाल भी आ गया, सब आ गया इसमें, या फिर अलग अलग करोगे काला हरा प्लस काला लाल, दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा जो इससे एक बार में आ जाएगा, समझ गए क्या? हाँ ठीक है। एफ के बाद जी, एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन, नीचे 12C2 आएगा, एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन, एग्जैक्टली एक गेंद हरी चाहिए तो बाकी कोई और, सेम कैसे? ठीक एक गेंद हरी चाहिए ना इसको, तो ठीक एक गेंद हरी तो बाकी कोई और, तो एक गेंद हरी तो हरी कितनी है 4, 4C1, और कोई और में कितने लोग बचे 8, तो 8C1, एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन, तो ठीक एक गेंद क्या होनी चाहिए हरी, तो एक गेंद हरी 4 में से एक फिक्स कर लो इनटू बाकी कोई और होनी चाहिए, तो कोई और में 8 लोगे 4 को छोड़ के, तो 8C1। हरी एच में कोई भी गेंद हरी न हो, नो एनी बॉल इज ग्रीन, है ना, कोई भी गेंद हरी न हो, नो एनी बॉल इज ग्रीन, क्या एग्जैक्टली एक गेंद हरी है ना, तो एग्जैक्टली एक गेंद हरी है इसका मतलब वो जो दो का जोड़ा है उसमें एक ही हरा कलर होना चाहिए, बाकी कोई और होना चाहिए, तो एक गेंद हरी और दूसरी गेंद कोई और, तो हरी 4C1 और कोई और, हरी को छोड़ के कोई और में कितने लोगे 8, तो सीधे 8C1, जैसे यहां किया था ना वही वाला। एच पर, एच में क्या है, कोई भी गेंद हरी ना हो, कोई भी गेंद हरी ना हो, अब क्या करोगे, कोई भी गेंद हरी ना हो, हरे को हटा दो, कोई भी गेंद हरी ना हो तो हरे को हटा के 8C2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, हरा चाहिए ही नहीं, हरे को हटा दो 8 में से, दो 8C2, याद रखोगे सब। एच के बाद आई, दोनों गेंदे एक साथ काली ना हो, दोनों गेंदे एक साथ, इसका निकाल के बताओ, दोनों गेंदे एक साथ काली ना हो, दोनों गेंदे एक साथ काली ना हो, आई बाद में करेंगे, पहले जे कर लेते, हो गया क्या है कॉपी, जे पर आ जाओ, जे आई बाद में, कोई भी गेंद लाल या हरी ना हो, यानी कि लाल और हरी दोनों से नफरत है, मतलब काले में से ही निकालना है आपको, खत्म, 5C2, कोई भी गेंद लाल या हरी ना हो, मतलब लाल या हरा रंग उसको चाहिए ही नहीं है ना, लाल या हरा चाहिए ही नहीं, मतलब दोनों गेंद कहां से निकालोगे, काले कलर में से, है ना, तो
5C2 अपॉन 12C2। कोई भी गेंद लाल या हरी ना हो, मतलब लाल और हरा कलर चाहिए ही नहीं उसको, तो सीधी सी बात है दोनों गेंदें फिर 5C2 काले कलर में से आएगी ना। अब आई पर आ जाइए, आई का क्या आंसर निकाल दो जरा। 5C1 इंटू, बस इतना ही। नहीं, ऊपर कितना आएगा? ऊपर बस दो ही आएंगे, दोनों एक साथ काली ना हो, दोनों एक साथ काली ना हो, इसको छोड़ के पॉसिबल केसेस क्या है? दोनों एक साथ हरे हो वो भी आएगा, दोनों एक साथ लाल हो वो भी आएगा, एक हरा लाल हो वो भी आएगा, है ना, काला लाल हो वो भी आएगा, काला हरा हो वो भी आएगा। दोनों एक साथ काली ना हो, यानी कि दोनों ब्लैक ब्लैक छोड़ के सब आएगा, पांच बनेंगे, पांच। दोनों एक साथ काली ना हो के प्रकार बनेंगे पांच। देखो, दोनों एक साथ काली ना हो का मतलब दोनों एक साथ हरी चलेगी, दोनों एक साथ लाल चलेगी, दो तो ये हो गए। अब काली लाल, लाल हरी, हरी काली, तीन जोड़े ये भी बनेंगे ना, पांच बनेंगे ऊपर प्लस में। अब सुनो, आई, आई के बारे में आपको बताता हूं। इनको मिटा दूं इधर वालों को, बोलो मिटा दूं क्या? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अच्छा, ये जो आप 12C2 लिखते हो, ये 12C2 किसकी संख्या देता है आपको? दोनों काले की संख्या भी देता होगा, दोनों लाल की भी देता होगा, दोनों हरी की भी देता होगा। काला लाल, लाल हरा और हरा काला। अच्छा बताइए, टोटल 6 प्रकार बनेंगे क्या? टोटल दो गेंदों का निकलने का कलर 6 प्रकार बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को, बनेगा। और इन छहियों की टोटल जोड़ों की संख्या ही 12C2 है कि नहीं है? 12C2 क्या दे रहा है आपको कि दो गेंद जो निकालोगे उसके जोड़े की संख्या कितनी है, वही दे रहा है 12C2। तो जो दो गेंद निकलने वाली है वो 6 प्रकार से निकल सकती है, दोनों लाल, दोनों काली, दोनों हरी। उसके बाद अलग अलग डिफरेंट वाले तीन जोड़े बनेंगे, तो इन छह, इसके भी कुछ जोड़ों की संख्या होगी दोनों ब्लैक आने वाले, इसके भी जोड़ों की संख्या, सबके जोड़ों की संख्या मिला के क्या है? 12C2। तो समझ में आई 12C2 में कौन छिपा है? आई के नहीं आई समझ में? अब आप, अच्छा दोनों ब्लैक वाले कितने? 5C2। दोनों काले आने के प्रकार 5C2 है कि नहीं है? दोनों लाल आने के प्रकार 3C2 है कि नहीं है? दोनों हरे आने के प्रकार 4C2 है कि नहीं है? काला और हरा, काला और लाल आने का प्रकार, तो 5C1 इंटू 3C1। अरे 8C1 नहीं है ना, प्लस R और G, 3C1 इंटू 4C1 प्लस G और B, 4C1 इंटू 5C1 बराबर 12C2। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन सबको जोड़ लो निकाल कर, 12C2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 12C2 के बराबर। तो ये जो अब तक सवाल किए ना, अब तक की पिक्चर इस सवाल की अब आपके सामने खुली है। समझ आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या पिक्चर है ना? तो ये 12C2 क्या है? इन छह प्रकार के जोड़ों की संख्या को समाया हुआ है 12C2 ने। समझ आ रही है बात? क्लियर। अब आपसे जो सवाल है ना, आई वाला, आई में क्या पूछा है? दोनों गेंदे एक साथ काली ना हो, यानी कि इनको छोड़ के उसने पांचों को पूछा है आपसे। छह में से दोनों गेंदे एक साथ काली ना हो, इसको छोड़ के पांचों को पूछा है कि नहीं पूछा है? तो हम पांचों को अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम 12C2 में से सिर्फ दोनों ब्लैक को माइनस कर दें तो पांचों का वैल्यू आ जाएगा इकट्ठा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या पूछा है उसने आई वाले में? दोनों गेंद एक साथ काली ना हो, मतलब इसको छोड़ के कुछ भी आ जाए। तो इसको छोड़ के कुछ भी में पांच वैरायटी है, इन पांचों और फेवर है उसका। तो इन पांचों को एक एक करके नहीं निकालेंगे, इन पांचों का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12C2 में से इसका 5C2 माइनस कर देंगे। समझ आ रही बात?
तो आई का आंसर आएगा 12C2 माइनस 5C2 अपॉन 12C2। ये समझ में आया? दोनों एक साथ काली ना हो, तो दोनों एक साथ काली ना हो के प्रकार कैसे बनेंगे? इन पांचों का फेवर है तो इन पांचों का वैल्यू 12C2 में से 5C2 माइनस करो, तो इन पांचों का वैल्यू सीधे आ जाएगा और बटे में क्या आएगा? 12C2। देखो ये 10 आएगा, ये कितना आएगा? 3। ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 15 आएगा, ये 12 आएगा और ये 20 आएगा। इन सबको जोड़ लो, 12C2 के बराबर आएगा। 12C2 क्या आएगा? 66 है ना, जोड़ लो सबको, देखो 66 आएगा, जोड़ लेना। हाँ चलो आगे आ जाओ फटाफट, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। चलो लीप ईयर नॉन लीप ईयर पे आते हैं। मिटा दूं इसको? बोलो मिटा दूं? देखो लीप ईयर, अधिवर्ष, अधिवर्ष है ना, और नॉन लीप ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। है ना, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और इधर 365। 366 को ब्रेक करोगे तो 52 सप्ताह पूरे पूरे और 2 दिन एक्स्ट्रा। 366 को ब्रेक करोगे तो 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा, और 365 को ब्रेक करोगे तो 52 सप्ताह पूरे पूरे और 1 दिन एक्स्ट्रा। अब सुनना, इस पे सवाल बनेंगे कैसे पूरी कहानी सुन लो, सवाल करना तो बहुत इजी होगा। अब यहां देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी अधिवर्ष में
52 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? छोटी सी बात, प्रैक्टिकल्स। 366 दिन का वर्ष है, किसी अधिवर्ष में 52 रविवार आए, इसकी प्रायिकता क्या है? प्रायिकता बनेगी नहीं, तय है। अरे तय है, आएगा ये 52 रविवार। अरे 52 सप्ताह पूरे है ना, तो जब 52 सप्ताह पूरे हैं तो 52 रविवार तो आना तय है। प्रायिकता वन, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? बनेगी क्या? इतने परसेंट उतने परसेंट चांसेस में जाएगा क्या? ये सवाल नहीं, प्रायिकता वन है। अरे 52 सप्ताह पूरे हैं तो 7 में से हर एक दिन 52 बार तो तय है ना। बोलो तय है कि नहीं है? तय है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तय है कि नहीं तय है? कंफर्म है, श्योर है, ठीक है। अच्छा, 51 रविवार आने की संभावना क्या है? ये भी तय है। अरे 52 सप्ताह है, 51 रविवार तो तय होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, आप ऐसे लो, 2 सप्ताह, कितने सप्ताह? 2 सप्ताह, 2 सप्ताह पूरे पूरे, ये 2 सप्ताह 14 दिन, ये 14 दिन किसी भी दिन से चालू हो, हर एक दिन 2 बार रिपीट होगा। 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, ये 14 दिन किसी भी दिन से चालू कर लो आप, हर एक दिन 2 बार रिपीट होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली समझ में आ रही है कि बना के बताऊं? आ गई समझ में? तो जब 52 सप्ताह है तो किसी भी दिन से सप्ताह चालू हो, हर एक दिन 52 बार, कंफर्म है कि नहीं 52 सप्ताह में? बोलो है कि नहीं है? है। तो जब मैं 52 दिनों की प्रायिकता मांगूंगा तो हमेशा तय होगा? मैं बोलूंगा 52 शनिवार आने की प्रायिकता क्या है, तो भैया 52 सप्ताह पूरे हैं तो 52 शनिवार तो तय है। तय है कि नहीं तय है? 51 रविवार भी तय है। अरे 52 से कम कितने ही मांग लूं, सबकी श्योरिटी है, क्योंकि 52 सप्ताह में 51 रविवार तो आएंगे ही आएंगे, 52 सप्ताह में 50 रविवार भी आएंगे ही आएंगे, 49, 48, 47 सब आएंगे कि नहीं आएंगे? 52 सप्ताह में 52, 51, 50, 49, 48, 47 सब आएंगे, तय है। तो प्रायिकता 52 या उससे कम पे नहीं बनेगी। प्रायिकता का सवाल ना तो 52 पे बनेगा, न ही 52 से कम पे बनेगा। प्रायिकता का सवाल केवल और केवल सिर्फ 53 संख्या पे बनेगा, 54 पे भी नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी अधिवर्ष या सामान्य वर्ष में 54 संख्या किसी भी दिन की पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ 53 पे संभावना होगी। 53 के बाद की संख्याओं पे पॉसिबल नहीं है, सबके रिजल्ट, सबकी प्रायिकता 0, और 53 के पहले की संख्या पे पॉसिबल है, सबकी प्रायिकता 1। ये समझ में आ रहा है? 54, 54 डेज कोई भी पॉसिबल ही नहीं है। 52 सप्ताह होने के बाद केवल 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो क्या 54 बार कोई दिन आ जाएगा? इसमें 52 बार आ गया दिन, क्या इन 2 दिनों में कोई भी दिन 2 बार रिपीट हो जाएगा क्या? अरे 2 दिन तो लगातार होंगे ना, सोमवार मंगलवार होंगे, मंगलवार बुधवार होंगे, या फिर बुधवार गुरुवार होंगे, कंटिन्यूअस पैटर्न में होंगे कि नहीं होंगे? क्या दोनों दिन एक साथ रविवार रविवार आ सकते हैं क्या? तो 52 और 2 54 कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी दिन 54 बार किसी वर्ष में, आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की चीजें हैं। क्या आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, तो आपको इतना समझ में आ गया कि कोई भी दिन 54 बार किसी साल में नहीं हो सकता। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? कोई भी दिन 54 बार किसी साल में नहीं हो सकता। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? आ गई। तो संभावनाएं केवल 53 पे चलेंगी। बोलो चलेंगी कि नहीं चलेंगी? संभावनाएं किस पर चलेंगी? 53 पर चलेंगी, है ना, 53 पर। अच्छा, 52 पे भी नहीं चलेगी? 52 पे तो तय होगा। आप मन से बोल नहीं रहे हो यार, जब 52 सप्ताह में हर एक दिन 7 में से 52 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रायिकता लीप ईयर नॉन लीप ईयर में केवल 53 डेज पे चलती है। किस पे? 53 पे। 53 के पहले कंफर्म है, 53 के बाद पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही बात? 53। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इधर आते हैं पहले,
जैसे सवाल ऐसा है, अरे सवाल है ना हमारे पास, देखो सबसे पहला सवाल सामान्य वर्ष वालों में से है। देखो लीप ईयर के अंदर, सॉरी हां पॉइंट वन, पॉइंट वन में अधिवर्ष पे है कि सामान्य वर्ष पे सवाल है? अधिवर्ष। तो पहले पॉइंट टू पर आ जाओ, पहले पॉइंट टू पर, पॉइंट टू पर सामान्य वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, है ना? मतलब ये वाला है पॉइंट टू हमारा, बोलो है कि नहीं है सामान्य वर्ष। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है, क्या है पहले सवाल की क्या डिमांड है? 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है? 53 मंडेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ ईयर? 53 मंडे। अब सुनो एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, ऐसा है कि 52 सोमवार तो कंफर्म है, केवल एक सोमवार की प्रायिकता पूछी है। 52 सोमवार तो कंफर्म है, केवल एक सोमवार की प्रायिकता पूछी है। 53 सोमवार चाहिए ना, 53 में से 52 तो कंफर्म है। अब ये जो एक दिन बचा, इसके सोमवार होने की क्या संभावना है? हो जाएगा 52 और 53? ये जो एक दिन बचा, इसके सोमवार होने की क्या संभावना है? अच्छा 52 सोमवार तो फिक्स है ना, संभावना कहां है? जहां निश्चित ना हो। संभावना कहां होती है? जहां निश्चित ना हो। अच्छा इसकी निश्चितताएं नहीं है ना, ये एक दिन सातों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा हमारा टास्क कब पूरा होगा? जब ये दिन क्या हो, सोमवार। हमारी डिमांड 53 सोमवार इकट्ठा करने की है, 52 सोमवार इकट्ठा करके रख लिया जेब में, अब इसके ऊपर संभावना चलेगी। अब बताओ इसके टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी इसके टोटल रिजल्ट क्या है? 7। बताओ इस एक दिन के टोटल पॉसिबल रिजल्ट 7 है कि नहीं है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बताओ है कि नहीं है? 7 में से हमारा फेवर कौन कर रहा है? 1। तो प्रायिकता 1/7। सोमवार चुनना है ना, इसके अंदर से सोमवार को खींच के बाहर निकालना है ना, तो इसका सैंपल स्पेस में 7 लोग आएंगे, मतलब इसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट में 7 आएंगे कि नहीं आएंगे? और 7 में से हमारी डिमांड सोमवार की, एक ही सोमवार की है, तो 7 में से 1/7 प्रायिकता आ जाएगी इसकी। पॉइंट बी, 53 रविवार, इसकी भी 1/7, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? इसकी भी 1/7। सी, 53 सोमवार या 53 मंगलवार, 53 सोमवार हो तो भी चलेगा, 53 मंगलवार हो तो भी चलेगा। आप लोग सब कॉपी करने लग गए हैं, टाइम क्या हो रहा है, 5 बज गए क्या? क्या बोल रहे हो? पांच मिनट बचा है, बताऊं आगे? अब क्या चाहिए आगे? 53 सोमवार या, ध्यान रखना क्या लिखा है, या 53 मंगलवार। या में प्लस आता है, हमेशा आता है प्लस। 53 सोमवार की प्रायिकता यहां लगा दो, 53 मंगलवार की यहां लगा दो, 53 सोमवार की भी 1/7, 53 मंगलवार की भी 1/7, टोटल प्रायिकता 2/7। या का मतलब प्लस, तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता 1/7 है और 53 मंगलवार आने की प्रायिकता भी 1/7, तो 2/7 आ जाएगा। सी के बाद डी सेम आएगा, 2/7 आएगा ना सेम। 53 मंगलवार ट्यूसडे या 53 शनिवार, वन बाय सेवन प्लस 1/7, ये भी क्या आएगा? 2/7।
डी के बाद ई, अच्छा ई का क्या आएगा, ई का 1/7 कि 3/7, ई का प्रायिकता आएगा 0, 0, नॉट पॉसिबल। ई और एफ का प्रायिकता 0, 0, एंड मतलब 53 सोमवार भी 53 मंगलवार भी। अरे तो एक दिन बचा है उसके अंदर से सोमवार मंगलवार दोनों कहां से खींच के लाओगे, दिन तो एक ही बचा है। 53 सोमवार भी चाहिए, 53 मंगलवार भी चाहिए, दोनों 53 बार चाहिए, तो 52 सोमवार मंगलवार तो हो जाएंगे इसके अंदर। अब आपको एक सोमवार एक मंगलवार दो दिन चुनने हैं ना, तो दिन तो एक ही बचा, दो दिन कहां से लाओगे आप। 53 सोमवार भी चाहिए, 53 मंगलवार भी चाहिए, यानी कि 52 सोमवार मंगलवार तो रख लिए हमने अपनी जेब में, समझ में आ रही बात। अब आपको टास्क पूरा करने के लिए एक सोमवार एक मंगलवार दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, एक सोमवार और एक मंगलवार दोनों चाहिए ना, या वाला केस थोड़ी ना है, एंड वाला केस है। एक सोमवार एक मंगलवार यानी कि आपको दो दिन की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या दो दिन है आपके पास दो दिन लेने के लिए, दिन तो एक ही है तो दो दिन कैसे आएगा आपके पास, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0। समझ में नहीं आई है आप लोगों को। आपको 53 सोमवार भी और 53 मंगलवार भी, समझ आ रही बात। तो दिन तो एक ही बचा है, दो दिन कहां से लाओगे आप, वर्ष में दिन ही एक बचा है, तो जब दिन ही एक बचा है साल का, तो सोमवार मंगलवार दोनों कहां से ढूंढ के लाओगे आप, पॉसिबल है क्या, 0। तो ई और एफ दोनों का 0, 0, जी का क्या आएगा, जी का 1, 1, जी की प्रायिकता क्या आएगी, 1, श्योरिटी है। एफ अंग्रेजी के हिसाब से 0 है, हिंदी के हिसाब से तथा कर लो उसको, तथा या नहीं आएगा, एफ में तथा कर लो। जी की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, 1, 52 दिन तो तय है, श्योर है, तो जी का 1 आएगा। एच का क्या आएगा, 0, 54 दिन कोई भी पॉसिबल नहीं है, 0, और जी का क्या आएगा, 1। ये और एंड का जो केमिस्ट्री है समझ में आ रहा है आपको, और एंड एंड, और वाला सवाल था तो पॉसिबल है, एंड वाले सवाल में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अब जी और एच हो गया, जी की प्रोबेबिलिटी 1 और एच की 0, 52 दिन तो तय है ना, तो क्या आएगा, 1, और एच की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, ओके। अब वो पॉइंट 1 भी बता दूं क्या, लीप ईयर वाला, चलो ठीक है कल कर लेंगे हम।